Uh, very uh, venerable viewers, uh, we are going to talk about uh, self-management skills. it's uh, core values like uh, persistence. and persistence is to maintain concentration on the task. it's very important for the proficiency of the completion of the task. उस पर पूरी तवज्जो होना पूरी जिसम की दिमाग की सलाहियतें मरतकेज़ होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पटिशन एंड फॉर द प्रोफिशेंसी ऑफ द टास्क तो इसमें हम बच्चे के अंदर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपने काम को करते हुए पूरी तरह मुतव हो ये इतना आसान काम नहीं है बच्चों के लिए इसको मेंटेन करना तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चों के अंदर इसकी तरकीब हो बच्चे इसकी तरफ़ आए कि वह अपने काम को पूरे इन्हमाक के साथ करने के आती हूँ मसल रीडिंग का टास्क है तो रीडिंग के लिए वर्ड्स को पूरी कंसन्ट्रेशन से जब तक विजुअलाइज ना किया जाए उस वक्त तक उसकी रीडिंग कम्प्लीट नहीं होती या कम्प्लिश नहीं होती है और उसकी बाद ये है कि वर्ड्स मिसिंग के चांसेज होते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर दी कंसनट्रेशन ऑन द टास्क इज़ लीडिंग टू वर्ड द परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिकली बच्चों के लिए कि वो एकेडेमिक परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं इसमें हम यूं भी कर सकते हैं कि बच्चों को हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और जब क्वेश्चन दे देते हैं तो वो उस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं उनके वर्ड्स पर एम्फेसाइज करते हैं और उसके जवाब को तलाश करने में और उसको रिपीट करने में दे बिकम वेरी विजिलेंट अबाउट इट इसी तरह हम उनको कुछ डायरेक्शन्स भी दे सकते कुछ हिदायत दे देते दे। हैं और हिदायत भी लंबी चौड़ी नहीं बल्कि शॉर्ट डायरेक्शन होती उन डायरेक्शन देने का फ़ायदा ये होता है कि द चिल्ड्रन विल बिकम वेरी प्रोफिशेंट इन देयर टास्क बिकॉज दे आर गेटिंग डायरेक्शन्स और प्रॉम्प्ट डायरेक्शन है कि वक्त के साथ साथ और जो ही वो टास्क अपना कंप्लीट कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में उन्हें हल्के फुल्के अंदाज से डायरेक्शंस भी मिल रही होती हैं और इसी तरह उनके इंटरेक्शंस जो है ना वो बड़े इम्पोर्टेंट है द टीचर इस इंटरेक्टिंग द फ्रेंड्स आर इंटरेक्टिंग और इंटरेक्शन में वो उसकी तवज्जो उस काम की तरफ रखने में उसकी मुआवनत करता है और उसकी डिस्ट्रक्शंस को रोकता है डिस्ट्रैक्शन से मराज है कि उस टास्क से उसकी तवज्जो हट जाए और वो कुछ और सोचने लग जाए डिस्ट्रैक्शन से हार ये मतलब नहीं कि द टीचर इज गिविंग डायरेक्शन एंड दिस वन इज द डिस्ट्रेक्शन नो डिस्ट्रेक से मुराद यह है कि उसकी अदम ही यानी उस काम से उसकी तवज्जो हट के किसी और काम की तरफ चलेगी तो वन द डायरेक्शन आर देयर वन द टीचर कोस्च्चन आर देयर आर फ्रेंड क्वेश्चन आर देयर डायरेक्शन आर देयर तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो डिवेलप रहती है और इसमें इंटरप्शन कई तरह की हो सकती हैं साउंड की इंटरप्शन हो सकती है उसके बाकी जो इंटरेस्टिंग टास्क हैं उसकी इंटरप्शन हो सकती है उसको रोकने के लिए हमारी डायरेक्शन उसको रोकने के लिए फ्रेंड्स की डायरेक्शन और क्वेश्चन जो है दोज़ आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि चाइल्ड मस्ट फोकस ऑन द टास्क टास्क जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि जितना उसमें उसके स्मार्ट स्मॉल टास्क होंगे और उसकी साथ साथ कंप्लीशन होती जा रही होगी उसमें उसकी सक्सेस उसको लीड करती है द कंप्लीशन ऑफ द टास्क एंड बूस्टअप करती है उसकी मोटिवेशन को और उस काम के करने के लिए उसका इंटरेस्ट जो है ना वो बूस्टअप होता है और फिर यह के बाद अकात तो कुछ सेट बैक्स हो जाते हैं तो सेट बैक को कंट्रोल करने के लिए कंसंट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी दैट वील बिकम मोर कॉम्पिटेंट टू चेक एंड स्नब द टास्क विच इज डिसरप्टेड बाय अदर्स आर बाय अवर सेल्फ हम बर वक्त अगर उसकी इंडिकेशन uh, कर लेते हैं तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टास्क में जहाँ पे इंटरप्शन है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया सिचुएशन डेवलप हो गई तो हम उसको अगर जानते हैं कंसनट्रेटेड हैं तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और फिर यह है कि हम उसको रिजॉल्व करने के लिए जब हम ट्राई आउट करते हैं तो उस ट्राई करने में भी हमारी एक कोशिश हमारी दूसरी कोशिश एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और हम उसमें भी वी गाट सक्सेसफुल और इसमें आ, काम को केयर के साथ करना ये बड़ा ज़रूरी है केयर के साथ म, मतलब ये होता है कि वी आर विजिलेंट अबाउट छोटे छोटे टास्क जो है ना वो उस पर हमारी नज़र रहे तो ये हमें अपने आप को सेल्फ मैनेज करने में मददगार साबित होता है कि ए, एक काम अगर हम ए, बड़ी केयर से कर रहे हैं तो दूसरा काम भी यकीनन वो जो स्किल हमने हासिल कर ली होती है वो दूसरे काम में भी हमारी मद्दमा सा, साबित होती है और इसमें कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट के काम यानी हम मेंटेन करें अपनी परसिस्टेंस पर, को मेंटेन करें अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करें और बट वी आर टू डू बी वेरी विजिलेंट अबाउट कि हमने अपने टास्क को कंप्लीट करना है और uh, इसमें हम uh, अगर इसको मैनेज करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि रीडिंग के, के टास्क के लिए द थर्ड ग्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड ग्रेड यानी वन टू थ्री ग्रेड तक बच्चे जो है ना वो रीडिंग के टास्क में अपनी प्रसिस्टेंस को डिवेलप कर सकते हैं इसी तरह जो फिफ्थ ग्रेड है उसमें ये होता है कि मैथ और रीडिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ के टास्क में भी फिगर्स को लिखना उसको सम अप करना उसको डिवाइड करना उसकी बाकी जो म, म, उसके प्रोसेस हैं उसको देखना अगर हम उसमें कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहे होंगे परसिस्टेंस सिस्टेंस नहीं होगी तो फिर योगा के गलती का इम्कान बाकी है और हमारा वो काम पूरी तरह पाया तकमेल नहीं पहुंचता और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि देर शुड बी अ लेस एंगजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस की सिचुएशन कम से कम होनी चाहिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये हर किस नहीं है कि हम फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दें हम उसमें स्ट्रेस बढ़ा दें और टास्क की जो एबिलिटी कैपेसिटी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वो मुतासर हो तो इसको कम से कम हमें रखना है हमें कंफर्टेबल रखना है ये सारे टास्क इसलिए हैं कि वी आर मेंटेनिंग द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क और इसमें का जो होता है कि गलती का इमकान तो बाकी होता ही है लेकिन समटाइम बच्चे उसको दूसरों को ब्लेम करते हैं पी टू able to accept our own task, our own uh, errors, हमारी अपनी negligences, छोटी छोटी negligences होती हैं जिसको हमें admit करना है Admit करने से मुराज ये है कि we recognize it and we can accomplish it and we can remove it in the in the next process. तो ये सारे task यानी गलती का होना गलती का ना होने देना और अपने टास्क को कंप्लीट करना बाय द कंप्लीशन ऑफ आर डिवाइडिंग द बिग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क और उसको एज ए होल भी देखना ये सारी चीज़ें हमारे उस सेल्फ मैनेजमेंट uh, के लिए स्किल्स की डेवलपमेंट है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी एंड सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन थैंक यू वेरी मच